एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पागल। आई एम पूजा और मैं हूँ सदर बाजार में। दिस इज सेकंड वीडियो फ्रॉम आर आगरा ट्रिप एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। सदर बाजार एक्चुअली आगरा में एक बहुत ही फेमस मार्केट है फॉर शॉपिंग। यहाँ पे शूज़, लेदर गुड्स, मार्बल आर्टिफैक्ट्स, ये सब बहुत अच्छे मिलते हैं। और उसी के साथ सदर बाज़ार में आपको इतना स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिलता है। यहाँ पर एक पूरी गली है जिसका नाम है चाट गली सदर बाज़ार में, और वहाँ पे इतनी स्वादिष्ट चाट मिलती है आपको। उसके साथ बहुत सारे यम्मी फूड भी मिलता है। सो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रैंकी, लॉट्स ऑफ चाट आइटम्स, सम कुल्फी एंड लॉट्स मोर स्टफ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू सी व्हाट सदर बाजार इन आगरा हैज टू ऑफर। वैसे ये वीडियो में मैंने सोचा कि कुछ अलग और नया करते हैं। सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्पेंडिंग लिमिट रखते हैं। लेट्स कीप द लिमिट ऑफ 500 रुपीस एंड लेट्स सी सदर बाजार में 500 रुपीस में हम क्या क्या खा पाते हैं। मेरे पीछे है मामा चिकन फ्रैंकी, वेरी पॉपुलर आउटलेट फॉर हैविंग मुगलाई फूड एंड फ्रैंकी। वैसे आगरा स्ट्रीट फूड इज ऑलरेडी लाइव ऑन माई चैनल, जिसमें मैंने आगरा का बहुत यम यमी स्ट्रीट फूड खाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एज ऑफ नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट मामा चिकन फ्रैंकी। हमने मामा फ्रैंकी से ले ली है वन प्लेन चिकन फ्रैंकी। एक बार मैं आपको इनका मेन्यू दिखा दूँ, इट्स सच एन एलैबोरेट मेन्यू। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे एंड दे हैव डिसेंट नंबर ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस आल्सो। दिस आउटलेट इज 15 इयर्स ओल्ड एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस आउटलेट्स इन आगरा टू हैव सम फ्रैंकी एंड मुगलई फूड, लाइक स्ट्रीट स्टाइल मुगलई फूड। यहाँ पे पराठे, कबाब, सीख कबाब, मटन, ये सब बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था। यहाँ की एक्चुअली फ्रैंकी काफ़ी पॉपुलर है। सो इवन इन फ्रैंकी यू कैन चूज़ अगर आपको फ्रैंकी विद एग, विदाउट एग चाहिए, चिकन की क्वांटिटी कैसे चाहिए, सिंगल, डबल। दिस इज़ अ सिंगल चिकन प्लेन फ्रैंकी जिसमें अंडा नहीं है। थोड़ी सी मुझे ऑयली लग रही है। एक चिकन की ग्रेवी डाली इन्होंने, देन दो तरीके की सॉसेस डाली, केचप एंड रेड चिली, और ये काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है ये जो पराठा है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। काफ़ी अलग है यूजुअल फ्रैंकीज से, स्वीट लग रही है मुझे थोड़ी। एक और बाइट लूँगी मैं। द चिकन सो टेंडर, द पराठा वेरी क्रिस्पी, लुक एट दिस। ये ग्रेवी देखिए कैसे बाहर आ रही है। अगर आपको मुझे बताना पड़े कि ग्रेवी की टेस्ट कैसी होती है, बारबेक्यू सॉस कैसी होती है, काफ़ी वैसी टेस्ट है, बारबेक्यू सॉस एंड केचप टाइप, स्वीट है, बट द बेस्ट थिंग इज दिस चिकन इज सुपर टेंडर। बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, खट्टी और स्वीट है, बट काफ़ी अच्छी है। मसाले भी डाले हुए हैं, हल्की हल्की गोभी डाली हुई है उनके वो मिक्सचर में, वेरी नाइस। पराठा भी काफ़ी अच्छा फ्लेकी है, हल्का सा ऑयली। फॉर सिंगल चिकन इट्स लोडेड ऑल्सो, आई थिंक इसकी बेस्ट बात है द क्वालिटी ऑफ चिकन, छोटे छोटे चिकन के पीसेज विच आर रियली टेंडर। इफ़ यू आर समवन जिसे अपनी फ्रैंकी स्पाइसी पसंद है, आई डोंट थिंक सो यू विल लाइक इट बिकॉज दिस इज़ लाइक सुपर स्वीट, बट आई लाइक्ड इट। काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं। Nice. वैसे हम यहाँ पे देख ही रहे थे कि हम मामा फ्रैंकी के पास और क्या खाएं, क्योंकि कितने सारे यहाँ पे कमाल के ऑप्शंस हैं। तो हमने सोचा एक और रोल खा लेते हैं क्योंकि यहाँ के रोल्स इतने पॉपुलर हैं। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बिरयानी भी खा रहे थे। हमने ऑर्डर किया है चिकन सीख कबाब रोल, लेट मी शो यू। इसका पराठा जो हमने पहले फ्रैंकी खाई उससे काफ़ी अलग है, ये काफ़ी ऐसे लंबा आता है, और इसके अंदर है चिकन सीख कबाब, एक ग्रीन चटनी, और ये पराठे की मेकिंग आपने देखी, ये मैदे और पानी, सिर्फ इससे बना है ये पराठा। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू द फ्रैंकी। मुझे ये पराठा ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, दिस इज़ वेरी ऑयली, बट अंदर ये जो कबाब है इट इज़ सो ऐसा नरम एंड जूसी, ये देखिए। और इसके अंदर बस एक ग्रीन चटनी डाली हुई है जो पुदीने की है, और कुछ भी नहीं। ये आप ऐसे ही समझिए कि आप पराठा और कबाब साथ में खा रहे हो, और कुछ इतने अलग से फ्लेवर्स नहीं है। पराठा दिखने में वैसे काफ़ी पतला लग रहा था, बट ये ऐसा मोटा है। दिस इज़ वेरी गुड, काफ़ी फिलिंग भी है, काफ़ी सॉफ्ट भी है, और फ्लेवर्स
काफ़ी सटल है एंड दिस आई थिंक इज हैवी कम्पेयर टू द फ्रेंकी। ये जो चिकन कबाब है ये जूसी तो है ही पर इसमें गार्लिक का एक बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। एक सिर्फ मुझे ड्रॉबैक क्या लग रहा है, आई थिंक आप वो ले सकते हो यहाँ पे जब आ रहे हो, साइड में आप कोई भी सॉस या चटनी ले लो क्योंकि एक बार खा के इसका टेस्ट थोड़ा मोनोटोनस लगेगा कि सेम चीज़ ऐसे खा रहे हो बस चबा रहे हो, तो थोड़ा फ्लेवर चाहिए होगा। बट काफ़ी अच्छा है, मुझे दोनों ही फ्रेंकीज़ अपनी अपनी जगह पे अच्छी लगी बट ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी। सो दिस इज़ द चाट गली ऑफ सदर बाज़ार। काफ़ी क्राउडेड है एंड लॉट्स ऑफ फूड्स टू ट्राई, लेट्स गो चेक इट आउट। काफ़ी नैरो लेन है, सदर बाज़ार की चाट गली में सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं आलू टिक्की जिसे कहते हैं भल्ला भी। ये हम ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेस कॉल आगरा चाट हाउस। 25 इयर्स प्लस ओल्ड है ये प्लेस और यहाँ पे आपको चाट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे गली में आप जाओगे 5-10 स्टार्टिंग में तो चाट के ही ऐसे आउटलेट्स हैं, सो मेनी चाट जॉइंट्स और सारे ऐसे भरे पड़े हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है सो आई थॉट ऑफ टेकिंग और काफ़ी अलग तरीका है इनका बनाने का। ये एक क्रिस्पी आलू टिक्की है, ये क्रिस्पी इसलिए है क्योंकि इसको बहुत सारे तेल में काफ़ी देर तक इन्होंने शैलो फ्राई किया तवे पर और ऊपर से इन्होंने दो चटनीज डाली हैं, एक है ये ग्रीन और एक है ये ब्राउन। ये जो ग्रीन चटनी है ये खट्टी चटनी है, आम की चटनी है ये, और एक मीठी चटनी डाली है इन्होंने, थोड़ा सा काजू और धनिया। ओके दिस ऑनेस्टली सो डिफरेंट, खट्टी चटनी तो काफ़ी खट्टी है और मीठी काफ़ी मीठी। इसमें अमचूर डाला हुआ है, मुझे लगा कोई भी ऊपर से मसाला नहीं डाला है बट अमचूर डाला है इन्होंने। पता नहीं अभी अमचूर खट्टी चटनी में है या अलग से डाला है बट अमचूर तो ढेर सारा डाला हुआ है और ये काफ़ी क्रिस्पी है। मुझे लगा दही वही डालेंगे, कुछ भी नहीं डाला है, बस दो चटनी। काफ़ी गर्म है, आलू की जो टिक्की है उसमें भी कुछ भी मसाले नहीं है, सिंपल आलू की फ्राइड टिक्की है वो। इनकी जो चटनी है वो कमाल की है, जो मीठी चटनी है इनकी इन्होंने कहा खजूर नहीं डालते पर उसमें काफ़ी खजूर का मुझे टेस्ट आ रहा है। चटनी एकदम थिक और एक काजू अलग से डाला हुआ। द USP ऑफ दिस चाट इज़ द फ्लेवर्स फ्रॉम द चटनी, कुछ भी स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम हैं श्री अग्रवाल चाट सेंटर में और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं गोलगप्पे। कितनी पुरानी है ये जगह? 40-45 साल के ऊपर है ये। यहाँ पे आपको सूजी और आटे के गोलगप्पे मिलते हैं, ये सूजी का है, अंदर सिर्फ आलू डाला है, आलू मटर होता है। एक ही पानी देते हैं ये, पानी में क्या बताएंगे पर पानी स्पाइसी नहीं है, इनफैक्ट खट्टा है। सूजी के पूरी और अंदर आलू और मटर, बहुत रिफ्रेशिंग है पानी। सदर बाज़ार की चाट गली में हम चाट खाते ही जा रहे हैं और ये गोलगप्पे थे अग्रवाल चाट हाउस के, काफ़ी अच्छे थे। इसमें से बहुत सारी चटनी ये सब नहीं डाल रहे हैं, बस एक दो ही चटनी पर उसमें फ्लेवर एकदम कमाल का। भैया जी से पूछा मैंने कि पानी में क्या क्या डालते हैं, ये सुनिए। इसमें पीली मिर्च, काली मिर्च वगैरह, लौंग, पुदीना, धनिया, नमक वगैरह सब होता है इसमें। सूजी और आटा दोनों के गोलगप्पे थे बट मुझे आटे के बहुत अच्छे लगे। लेट्स गो नाउ एंड ईट समथिंग एल्स। गली सदर बाज़ार में जो नेक्स्ट चाट आइटम हम ट्राई कर रहे हैं वो है बास्केट चाट। ये हम ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेस कॉल केला जी बेलपुरी एंड सेवपुरी कॉर्नर। ये मैंने हाफ प्लेट ली है जो 60 रुपीज़ की है, फुल प्लेट 100 रुपीज़ की आती है। एक बार मैं आपको उसका मेकिंग दिखा दूँ। ये बास्केट शेप्ड पूरी है जिसमें अनियन, टमेटो, फिर चटनीज डालते हैं, फिर ये सेव, धनिया, दही एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। चलो लेट्स हैव दिस। हम्म,
ओह वाओ, आई थिंक आज के दिन हमने जो भी अभी तक ट्राई किया है उसमें से ये पहली चीज़ है जिसमें थोड़ा सा ऐसा स्पाइसी टेस्ट आ रहा है। इसमें जो उन्होंने लहसुन की चटनी डाली वो सिर्फ गार्लिक की नहीं बट गार्लिक एंड रेड चिलीज़ की चटनी है। एकदम उन्होंने थोड़ी सी डाली बट हर पूरी में क्या स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है उसका। देन दही, दही से उसका स्पाइसीनेस थोड़ा सा टोन डाउन हो रहा है। दिस इज़ लोडेड, एक मीठी और खट्टी चटनी डाली हुई है, एक धनिए की है और एक खटाई की। फिर इसमें जो ये बूंदी सेव ये सब डाला हुआ है उससे क्रिस्पी और नमकीन अच्छा फ्लेवर आ रहा है। दिस इज़ वेरी गुड, जो उसमें लहसुन की चटनी डाली हुई है दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। काफ़ी अच्छा है, यहाँ के चाट आइटम्स आर रियली गुड, लव्ड इट। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग सम स्वीट कॉर्न फ्रॉम दिस लोकल स्टॉल, अमेरिकन स्वीट कॉर्न। और यहाँ पे आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं। हमने ले लिया है मसाला स्वीट कॉर्न, दिस इज़ फॉर 50 रुपीज़। इसमें है बटर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड मैजिक मसाला, पेरी पेरी मसाला और लेमन भी डाला हुआ है। वेरी हॉट, वेरी बटरी। स्वीट कॉर्न का स्वीटनेस है बट इसमें जो उन्होंने वो मसाला डाला है ही वॉज सेइंग कि वो ग्वालियर से आता है मैजिक मसाला। टेस्ट काफ़ी ऐसा मैगी मैजिक मसाला जैसी है, इट्स जस्ट सिर्फ स्पाइसी नहीं है, इट्स लाइक हॉट इन नेचर। फिर चाट मसाला, पिरी पिरी मसाला, ब्लैक पेपर, उसका भी स्वाद आ रहा है। ये स्पाइसी नहीं है बट काफ़ी मसालेदार है और बटरी भी। अ वेरी नाइस क्विक ऑन द गो स्नैक। यहाँ पर आकर हमने डिज़र्ट नहीं खाया तो ऐसा लगेगा कि हमारा स्ट्रीट फूड कुछ अधूरा है, इसीलिए अभी हम खा रहे हैं कुल्फ़ी फ्रॉम दिस प्लेस कॉल किशन फलूदा कुल्फ़ी। यहाँ पे आपको फलूदा मिलता है, कुल्फ़ी में बहुत सारे ऑप्शंस थे, इनके फलूदास काफ़ी लोडेड लग रहे थे और मुझे उतना नहीं खाना था इसीलिए मैंने एक स्टिक ले ली। दिस इज़ रबड़ी कुल्फ़ी स्टिक। कुल्फ़ी में भी इनको बहुत सारे फ्लेवर्स थे, लेट्स टेस्ट दिस। क्रीमी, जैसे वो रबड़ी की क्रीम कैसे होती है मलाई टाइप, वैसा एकदम टेस्ट आ रहा है इसका। ये ना इतना स्वीट नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी ऐसा मिल्की टेस्ट है। ये ठंडी ठंडी रबड़ी कुल्फ़ी काफ़ी अच्छी है, वेरी नाइस। हमने आपको इंट्रो में बोला था कि हम 500 रुपीज़ यहाँ पर स्पेंड करेंगे, तो ये सब करने के बाद हमें इतने रुपये बच रहे हैं। एंड नवीन का चाय पीने का बहुत मन हो रहा है तो हमारी चाय आ जाएगी इतने में। मैं ख़त्म करती हूँ, नवीन विल हैव सम टी एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग इट। काफ़ी ऐसा अलग कॉन्सेप्ट था बट काफ़ी मज़ा आया हमें शूट करने में। अगर आपको भी मज़ा आया हो ये देखने में प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, लीव अ कॉमेंट बिलो टेलिंग मी आपको सबसे बेस्ट क्या लगा आज के वीडियो में। टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फूड रिलेटेड वीडियोज, क्योंकि जो नेक्स्ट फूड वीडियो आ रहा है वो है मथुरा से। सो मेक श्योर यू हिट द बेल ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन खाओ पियो खुश रहो, बाय। मार्बल आर्टिफैक्ट्स ये सब मिलते हैं, ब्लूपर पार्ट वन। वैसे आगरा स्ट्रीट फूड इज, वैसे तो हमने सोचा खाती हूँ और चल चाय पीते हैं। तो फाइनली हम वीडियो एंड कर रहे थे विथ सम चाय, मेरे को चाय पीने का बहुत मन था और 500 में से एग्जैक्टली 30 बचे थे तो हमने चाय ले ली कूलर की। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है मेरा ब्लड ग्रुप T+ है। काफ़ी कड़क चाय है, केसर के तो ऊपर से उन्होंने वो डाले ना, पीसेस डाले ना, बहुत अच्छे लग रहे। फर्स्ट टाइम वीडियो के सामने आ रहा हूँ, रिव्यू तो दे, ठीक है। तो कैसा का स्वाद बताने, अच्छा है, बहुत अच्छा है।